नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मेरा डिग्री और मेडिकल अभी 10 तारीख को हुआ था सिकंदराबाद बोर्ड से। मैं अंकुर भाई के चैनल के माध्यम से आज आपको अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ हुआ। मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और सच बात तो ये है कि बहुत ही आसानी से हो रहा है। जितना हवा बनाया गया है इस चीज़ का कि बहुत हार्ड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं हो रहा है और बहुत ही कैजुअलिटी से और बहुत ही मतलब एज अ फॉर्मेलिटी वो चेक कर रहे हैं और किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी डीवी और मेडिकल में मेरे हिसाब से। जहाँ तक मुझे पता है अभी सिर्फ जो साइकोपास हैं उनका डीवी और मेडिकल हो रहा है, तो अभी जितने लोग साइकोपास हैं उसका डीवी और मेडिकल हुआ। तो मेरा जो सिकंदराबाद का जो ट्रेंड चल रहा है शुरू से, उस हिसाब से मेरा लास्ट में पड़ा था सेकंड शिफ्ट में, आखिरी 80 बच्चों को सिकंदराबाद का ही हॉस्पिटल दे दिया जा रहा था। वही ट्रेंड मेरे दिन भी चला और 80 बच्चों में मेरा नाम था, तो मेरे को सिकंदराबाद हॉस्पिटल ही मिल गया। और जहाँ तक बात है डीवी की, तो 1:30 बजे एंट्री हुई हमारी, 1:30 बजे, और उसके बाद सबसे पहले बैठाया गया हॉल में। 5 लोग सामने बैठे थे और 5 बहुत ही कूल लग रहे थे और कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। और साइड में बगल में 3 जने बैठे थे वो बायोमेट्रिक के लिए। और बायोमेट्रिक की अगर बात करूँ तो दोस्तों, बायोमेट्रिक बहुत ही आसानी से हो रहा है। जितने भी लोग इस चीज़ का हवा बनाए थे यूट्यूब चैनल के थ्रू या जिस तरह से भी, कि बायोमेट्रिक 60 से 70 बार चेक किया जा रहा है, उसके बाद भी नहीं होता है तो फॉरेंसिक किया जाता है। फॉरेंसिक तो भूल जाइए, 60 से 70 क्या किसी भी कैंडिडेट का मेरे सामने एक बार में या 2 बार में तुरंत हो जा रहा है, कोई भी परेशानी उसमें नहीं हो रही है। तो बायोमेट्रिक मिसमैच का जो डर है अपने दिमाग में वो बिल्कुल हटा दीजिए, उससे कोई परेशानी नहीं होगी। और बायोमेट्रिक मिसमैच मात्र 2-2 मिनट में सबका हो जा रहा था। और उसके बाद हमें बैठाया गया चेयर पे और एक एक करके 5 जने कॉलम वाइज हमें बुलाया जा रहा था। तो लास्ट में मेरा था लास्ट कॉलम में, तो लास्ट कॉलम में मुझे बुलाया गया। तो मेरे फॉर्म में तो कोई मिस्टेक नहीं था, लेकिन मेरे सर्टिफिकेट्स में कुछ मिस्टेक था। जैसे 10th में मेरा सरनेम में 1 लेटर मिसिंग था जो कि गलत था, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में मेरा वो लेटर था। तो उसके वजह से भी मैं बहुत डरा हुआ था शुरू से ही। मैं सबसे फ़ोन करता था, अंकुर भाई से भी बहुत संपर्क किया, तो उन्होंने भी बताया कि उससे कोई परेशानी नहीं होगी, एफिडेविट बनवा लीजिए। उनके मुताबिक मैंने एफिडेविट भी बनवाया और उसके वजह से मुझे बहुत दौड़ भाग भी करना पड़ा था। तो उसके वजह से मैं काफ़ी दिन तक स्ट्रेस था। और एक और परेशानी थी कि मेरे 12th मार्कशीट और ITI में 1 महीने का जो था वो कोलाइड हो रहा था। वो जैसे मार्च 2013 लिखा था उसमें और ITI में फरवरी 2013 से ही स्टार्ट था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा डर था। जाहिर सी बात है किसी कैंडिडेट को अगर ये थोड़ी सी परेशानी होती है तो थोड़ा सा डर बन जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद बिल्कुल अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि वो रिसीव कर रहे हैं। बस आपको देना है अपना डॉक्यूमेंट और वो रिसीव कर रहे हैं। बस वो नाम पूछते हैं, फादर्स नेम पूछते हैं। फादर्स नेम मेरे पापा का नाम जनार्दन है, और ITI सर्टिफिकेट में ब्लंडर हो गया था पूरा, एक तरह से कहा जाता है, उसको जनवरी लिख दिए थे लोग, ठीक है। तो उसके वजह से भी मैं बहुत घबराया हुआ था कि उसके वजह से कहीं परेशानी ना हो या कुछ ऐसा, लेकिन उसको देखा ही नहीं उन्होंने और बस पूछते गए। डेट ऑफ बर्थ बहुत ध्यान से मैच कर रहे हैं, ये मैंने देखा, ये नोटिस किया मैंने कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो बहुत ध्यान से मैच कर रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। उसके अलावा उसके वजह से भी अगर किसी को परेशानी नहीं होगी, मेरे साथ में तो कोई कैंडिडेट नहीं था जिसका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच था। और एफिडेविट तो किसी से नहीं लिया, किसी ने भी मेरे सामने, सब ने एफिडेविट बनवा के ले गया था, सब ले गए थे, किसी से नहीं लिया गया, कोई परेशानी नहीं हुई। 10th, 12th और ITI मैंने दिखाया और कम्प्लीट हो गया। फिर 5 मिनट का काम था, 5 मिनट में मुझे वापस बैठा दिया गया। चूंकि मैं UR से हूँ तो मुझे कास्ट सर्टिफिकेट का भी कोई परेशानी नहीं था। और उसके बाद हमने वेटिंग गेम खेला कम से कम 1-2 घंटे,
और उसके बाद फिर लाइन लगवाई गई तो ऑफिसर चेक किया, असिस्टेंट सेक्रेटरी आरआरबी सिकंदराबाद, यह है पोस्ट उनकी। और उन्होंने चेक किया और उन्होंने बस सिंपली कैजुअली नाम पूछा, पिताजी का नाम पूछा। जो बीटेक कैंडिडेट थे उनसे ये भी पूछ रहे थे कि जॉब छोड़ोगे तो नहीं, क्योंकि बीटेक के कैंडिडेट्स जो हैं वो जेई का प्रिपरेशन भी पैरेलल में कर रहे हैं, तो उनको डर है कि कहीं ना कहीं वो निकल लेंगे, तो इस वजह से भी वो उनसे पूछ रहे थे। लेकिन मैं आईटीआई का था इसलिए मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, बस नाम और पिताजी का नाम और छोड़ दिया गया। तो हमें थोड़ा सा लेट छोड़ा गया क्योंकि सिकंदराबाद में ही पड़ा था। 95 कैंडिडेट्स में से 15 कैंडिडेट्स को विजयवाड़ा भेज दिया गया था, बाकी 80 कैंडिडेट्स जो है वो 6:30 बजे छोड़ गया, 5 घंटे बाद, जबकि काम मात्र 10 से 15 मिनट का था। ओके, तो डीवी इतनी आसानी से हुआ कि सारा कॉन्फिडेंस वापस आ गया, जो एग्जाम के रिजल्ट के समय होता है जब मार्क्स बढ़िया आता है तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो वाला कॉन्फिडेंस वापस आ गया कि हाँ अब तो मेडिकल भी निकल जाएगा। क्योंकि हम लोग बहुत डरे हुए थे मेडिकल को लेके भी। मैं अपनी बात बताऊं तो साइको के बाद से मैंने 5 बार चेक कराया था, 5 बार मैंने अपना मेडिकल चेकअप कराया था, जबकि मेरा हर बार 6/6 निकल रहा था। वैसे इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, डॉक्टर भी बोलते थे कि आप बार बार क्यों चेक करा रहे हैं। तो उसके बाद मेडिकल के समय हमें 80 में 40 40 को बांट दिया गया। अगले दिन 8 बजे बुलाया गया। और सबसे पहले तो लोकेशन बता दूं आपको, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से 3 से 4 किलोमीटर की रेडियस में ही ये दोनों पड़ता है, डीवी और मेडिकल, आरआरबी ऑफिस और सेंट्रल हॉस्पिटल ललागुड़ा, दोनों दोनों 3 से 4 किलोमीटर के। और डीवी जो है वो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे सिकंदराबाद से आप आराम से, सिकंदराबाद ईस्ट नाम से मेट्रो स्टेशन है जो कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से मात्र 400 मीटर वेस्ट में है, तो वहां जा सकते हैं। वहां आप जाके 10 रुपए का टिकट आता है, वहां से आप अगला स्टेशन मेट्टुगुड़ा पड़ता है, तो मेट्टुगुड़ा से उतर के मेट्टुगुड़ा मैप में आप देखेंगे तो वहां वहां से मात्र 300 मीटर दूर है आरआरबी ऑफिस, तो वहां से ही पहुंच सकते हैं। और भी साधन है, और सेम वही मेट्टुगुड़ा स्टेशन से आप मेडिकल के लिए भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वो भी 300 से 400 मीटर दूरी है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग पहुंच गए थे, मैप का सहारा जरूर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आप पहुंच जाएंगे। और वहां पहुंचे तो 8 बजे हम लोग पहुंचे, तो हम लोग थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 बजे से स्टार्ट होगा, लेकिन 9 बजे ही एक कंपाउंडर आया और वो नाम बताने लगा, डीवी सीरियल नंबर पूछने लगा, तो हम लोग बताए हाँ हम ही लोग हैं, और वो लाइन लगवा दिया ऊपर ब्लड और यूरिन देने के लिए। तो 9:30 तक हम लोग ब्लड और यूरिन देके खाली हो गए, फिर थोड़ी देर वेट करवाया गया। फिर जब सबका हो गया तो उसके बाद हमें थोड़ा सा दूर जाके ईसीजी कंपार्टमेंट था वहां ले जाया गया, ईसीजी दिलवाया गया। तो ईसीजी में ईसीजी भी 2-2 मिनट पे सबका हो रहा था, बस वो तार लगा रहे थे, वायर लगा रहे थे यहाँ पे, और वो चेक कर रहे थे। 2 मिनट 2 मिनट क्या 1 मिनट भी वो नहीं चेक कर रहे थे, और झटके में वो बच्चों को उठा दे रहे थे कि चलो उठो। इस तरह से हुआ ईसीजी। उसके बाद ईसीजी होते होते 10:30 11 बज गया, तो उसके बाद हमें ऊपर लेक्चर हॉल में बुलाया गया। तो हमें लगा कुछ अनाउंसमेंट या कुछ ऐसा होगा, लेकिन वहाँ पे नियर विजन हम लोग का चेक होना था जो कि एक मैम ने किया, और मैम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ही सपोर्टिव थी, कौर मैम थी वो, पंजाबन थी, बहुत ही सपोर्टिव थी। उससे खैर फर्क नहीं पड़ता है कहीं की भी हो, लेकिन बहुत सपोर्टिव थी और बहुत ही हेल्पफुल थी। ऐसा नहीं कि वो कैजुअली चेक कर रही थी, लेकिन सपोर्टिव कहूँगा कि बहुत थी। और आगे मैं बता रहा हूँ कैसे क्या हुआ। वहाँ बैठाया गया, तब तक हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह बीच में कर लिए थे। उसके बाद एक एक करके सबको बुलाया जा रहा था, पहले सिग्नेचर वगैरह कराया गया, थंब इम्प्रेशन दिया गया, कहा गया कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन दो। और उसके बाद मैम ने बुलाया पास में, सबसे पहले एक बुक मैम ने कहा कि पढ़ो इसको, और बहुत ही मोबाइल में जो टाइम जिस हिसाब से लिखा रहता ऊपर स्टेटस बार में, उतना छोटा लेटर था, वो सारे बच्चे पढ़ दिए। उसके बाद तुरंत बाद कलर ब्लाइंडनेस कहा गया कि कलर ब्लाइंडनेस पढ़वाया गया, तो सारे बच्चे पढ़ दिए। और उसके बाद साइड में दूर 6 मीटर दूर ले जाके कंपाउंडर से कहा गया कि एक कान बंद करिए, और बोला गया कि मैम ने कुछ अंक दोहराया तो हमें वो रिपीट करना था, तो वो भी सबका आसानी से हो गया। और वहीं पे कंपाउंडर से मैम कहें कि तुम इसका हर्निया भी चेक कर लो, तो साइड में ले जाके वो थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा सा अंडरवियर रिमूव करो,
थोड़ी देर के लिए, 10 सेकंड के लिए मुश्किल से, और वो हर्निया भी शायद हाइड्रोसिल भी वो वहीं पे चेक कर। उसके बाद सभी को बैठा दिया गया। तब तक थोड़ा सा टाइम हो गया, थोड़ा सा टाइम हो गया, तो तब तक मतलब वही 1:30 या 2 बज गया, सबका हो गया। उसके बाद फिर अब हम लोग सोच रहे थे कि पाइल्स चेक नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद मैम ने पास में बुलाया, फिर मैम ने कहा कि 3 डिप्स मारो पुशअप। तो सब लोगों ने पुशअप मारा एक एक करके, और पुशअप मारने के बाद वो हार्ट बीट चेक कर रही थी। तो हमें कुछ देर तक समझ नहीं आया कि ये क्या कर रही हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो ऐसे ही बीपी वो चेक कर रही थी। बीपी की मशीन बगल में पड़ी थी, लेकिन उन्होंने बीपी ऐसे ही चेक किया सभी लड़कों का। हम लोग बीपी को लेके इतने घबराए थे, मैंने खुद का बीपी कई बार चेक कराया था, 140 130 ऐसे आ रहा था। तो खैर वो नॉर्मल होता है 140 तक, लेकिन फिर भी हम लोग घबराए हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद बीपी चेक हो गया, तो हम लोग बड़ा राहत का सांस लिए, हाँ चलो भाई बीपी चेक हो गया। उसके बाद हमें नीचे बैठाए रखा गया कुछ देर के लिए, फिर बोला गया कि लंच करके आ जाओ। तो हम लोग लंच करके आ गए। लंच करके आने के बाद नीचे मेडिकल एग्जामिनेशन हॉल था, वहाँ पे विजन चेक करने को बताया गया कि विजन अब चेक होगा। तो हम लोग थोड़ा सा सहम गए कि अरे अचानक आज ही विजन चेक हो जाएगा। लेकिन विजन चेक हुआ, लाइन लग गई, जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा था। और विजन चेक हुआ तो मैम अंदर बुलाई, मैम काफ़ी 6 मीटर की दूरी पे, डायरेक्ट 6 मीटर, ऐसा नहीं कि शीशा लगाया गया है 3 3 6, ऐसा नहीं था, डायरेक्ट 6 मीटर दूरी पे वो सी लिखा था और उसको पढ़ना था। मैम ही उसको मतलब डायरेक्शन उसका चेंज कर रही थी और वो पूछ रही थी। तो 3 बार पूछ रही थी, 3 बार में तो 3ों बार बता दे रहा था, उसको छोड़ दिया जा रहा था। कुछ बच्चे थे ऐसे जो, जैसे मेरे साथ भी ये जो लेफ्ट आई है उससे 4 बार पूछी, वो तीसरी बार नहीं बता पाए तो चौथी बार में हम बता दिए। तो उसके बाद वहीं पे वो ग्लास लगवाया गया और एलईडी लाइट जलाई गई अलग अलग कलर की। वो पूछी गई कि बताओ कौन सा कलर जल रहा है, तो वो बता दिए। उसके बाद ग्लास लगाया गया, एक आंख में रेड ग्लास और इसमें ग्रीन ग्लास। उसके बाद पूछा गया कितनी एलईडी जल रही हैं, बस कलर नहीं बताना है, कितनी जल रही हैं ये बता दो। तो वो भी ध्यान से देखने को दिख जा रहा था, वो भी बता दिया गया। तो वो हुआ और उसके बाद हमें उस दिन मतलब 3 4 बजे तक हमें छोड़ दिया गया। कहा गया कि अब तुम लोग का बस एक्सरे बचा है और फंडस बचा है। तो हमने जब पूछा कि सर पाइल्स चेक नहीं हुआ या कुछ ऐसा, तो उन्होंने बताया नहीं, पाइल्स उसी समय चेक हो गया था। हमने कुछ नहीं बोला, हमें हमारा ही फायदा है भाई इसमें। तो हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। अगले दिन फिर 9 बजे आए, फिर थोड़ा सोचे कि थोड़ा सा टाइम लेंगे ये, लेकिन नहीं, फिर से वही 9:30 बजे ही एक्सरे में लाइन में लग गए। ओके होल्ड ऑन। तो एक्सरे में लाइन में लग गए हम लोग, और एक्सरे वाला बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा खड़ूस था वो। एक्सरे वाला एडमिट कार्ड भी चेक कर रहा था, स्लिप भी चेक कर रहा था, लेकिन कहीं भी एडमिट कार्ड और स्लिप किसी ने चेक नहीं किया था। तो एडमिट कार्ड चेक कर रहा था, वो भी फोल्ड करके नहीं, वो फोल्ड करने पे डांट भी रहा था बच्चों। तो वो भी 2 2 मिनट का काम था, थोड़ा सा खड़ूस था, थोड़ा सा बुरा लगा कि यार ये अजीब से तरीके से बात कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, उतना तो हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं तो सुनने को मिल ही सकता है, क्योंकि हम लोग डरे हुए थे। तो उसके बाद वो हुआ, उसके बाद 11 बजे के आसपास हम लोग फिर से ब्रेकफास्ट कर लिए, वहीं कैंटीन है मेडिकल में, वहीं पे होल्ड ऑन, वहीं पे कैंटीन है रेलवे का ही, वहाँ पे खा लिए। और उसके बाद हम लोग को बोला गया कि फंडस टेस्ट होगा तुरंत, ज़्यादा टाइम नहीं लिया गया, 12 बजे के आसपास बोला गया कि फंडस टेस्ट होगा। और फंडस टेस्ट हुआ, आँख में दवाई डाली गई और थोड़ा सा जलन हो रहा था आँख में दवाई डालने के बाद, लेकिन आधा घंटा बोला गया कंपाउंडर के द्वारा, वो भी कंपाउंडर काफ़ी अच्छा था। कंपाउंडर के द्वारा बोला गया कि हाँ आधा घंटे रखो, लेकिन 15 मिनट बाद ही वो बुलाने लगा, अंदर भेजे, अंदर भेजा गया डीबी सीरियल नंबर के हिसाब से। तो 2 मैम थी, एक मैम कंप्यूटर आइटिस्ट कर रही थी, जो कंप्यूटर पे ऐसे ऐसे रख के वो चेक करते हैं वो कर रही थी, और दूसरी मैम बहुत ही नज़दीक आके तुम्हारे आँख में इस साइड से इस साइड तक पूरा लाइट जला के वो देख रही थी कि कहीं लेजर कराया तो नहीं है। लेकिन किसी ने नहीं कराया था, किसको पड़ी है, कौन कराएगा, कौन जॉब छोड़ना चाहता है। तो वो कराया,
वो होने के बाद उसके बाद कुछ देर वेट कराया गया, वेट करो। कंपाउंडर बोल दिया कि अब तुम लोग का हो चुका है, कुछ देर वेट करो, रिपोर्ट आएगा। तो हम लोग वेट किए तो 1 1:30 1:30 बजे तक। तब तक हम लोग आपस में ही बात कर रहे थे, 2 दिन हो गया था साथ में रहते हुए, तो आपस में थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो गई थी, ये तो बात की बात है। तो उसके बाद 2 बजे बुलाया गया वहीं लेक्चर हॉल में ऊपर, और एक कंपाउंडर ही उसको समझ लीजिए, वो आए और बोले कि 1 मिनट, बोले कि तुम लोग का रिपोर्ट आ गया है, इस पे साइन कर दो। और ये भी उन्होंने बताया कि सभी लोग A1 कैटेगरी में पास, ठीक है। जब आई टेस्ट हो रहा था 6x6 का, उस समय भी मैंने पूछा था मैम से कि मैम इज इट ओके ना, इज इट एवरीथिंग गुड। मैम ने बोला वेरी गुड, मैम ने यही बोला था वेरी गुड। और सबको जिसने पूछा उसको मैम ने बताया, लेकिन जब रिपोर्ट आया सब लोगों के सामने, कंपाउंडर ने जब बोला A1 कैटेगरी में सभी पास हो, तो सब लोग देखने लायक था चेहरा, सब लोग खुश थे। और उसके बाद हम लोग उनके सामने रिपोर्ट पे साइन करने से पहले सारा रिपोर्ट अपना पलट पलट के देख भी लिए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। A1 15 A1 लिखा था, 6x6 N6 यानी नियर विजन 6 दोनों आई पे लिखा था, सब कुछ लिखा था। और मेन यही देखना था, बाकी हम लोग कुछ नहीं देखे, बीपी वगैरह कुछ नहीं देखे, एक्सरे वगैरह किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। साइन करा के और उसके बाद हमें कहा गया कि आप लोग घर जा सकते हैं, आप लोग सभी लोग A1 कैटेगरी में पास है। हम लोग कहे कि हम लोग थोड़ा सा फोटो वोटो खींच लेते हैं मैम के साथ, तो मैम ने इसके लिए अलाउ कर दिया, फोटो वोटो खींचे और हम लोग घर आ गए। मतलब कुल मिला के बहुत ही आसानी के साथ हुआ, कोई भी जो हम लोग सोच रहे थे कि डर होगा या ऐसा कुछ नहीं था। कंपाउंडर से लेकर डॉक्टर तक सभी लोग अच्छे थे, और यहाँ DV की बात की जाए तो ऑफिसर तक, असिस्टेंट सेक्रेटरी तक बहुत अच्छा था। तो सभी लोग काफी सपोर्टिव हैं। अगर आप सिकंदराबाद हॉस्पिटल में आपका अगर पड़ता है तो मेडिकल बड़े आराम से होगा, 1.5 दिन के अंदर होगा। हमें 2 डिवीजन में बांट दिया गया था, हैदराबाद डिवीजन सिकंदराबाद डिवीजन। तो हमने पुराने बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हैदराबाद डिवीजन का काफी जल्दी हो जा रहा है, सिकंदराबाद डिवीजन का भी 2 दिन में हो जा रहा है। तो हम लोग हैदराबाद डिवीजन में थे तो हम लोग का 1.5 दिन में ही हो गया था, लेकिन मैक्सिमम 2 दिन लग रहा है, इससे ज्यादा नहीं लग रहा है। और किसी को भी रीमेडिकल नहीं दिया गया क्योंकि सभी लोग पास थे। हमारे ग्रुप में, हम लोगों के ग्रुप में यही हुआ, अब बाकी ग्रुप का मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छे से हुआ, बहुत ही आराम से हुआ। एफिडेविट किसी से नहीं मांगा गया DV में, बस वो डेट ऑफ बर्थ मैच करा रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ अगर सेम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सेम नहीं भी है तो एफिडेविट बनवा लीजिए। अगर और कोई प्रॉब्लम है तो एफिडेविट बनवा सकते हैं आप अपने अनुसार, सेफ्टी के लिए, क्योंकि आपको वहां से वापस किसी को नहीं भेजा गया है। लेकिन ऑल इन ऑल ये एक तरह से लगा कि फॉर्मेलिटी है, और जो भी बच्चे अब वापस छटेंगे वो मुझे लगता है मेरिट में ही छटेंगे, और कोई कारण से वो छटेंगे नहीं। 6x6 बड़े आराम से दिख रहा था, थोड़ा सा दूर लग रहा था जितना डॉक्टर दिखाते हैं, 5 बार मैंने चेक कराया था, थोड़ा सा दूर लग रहा था यार, थोड़ा सा ये हल्का दिख रहा है, लेकिन ऐसे करने पे या ध्यान से देखने पे वो दिख रहा था। और किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, सभी बच्चों ने उसको बता दिया और सबका A1 कैटेगरी में पास। तो बीच बीच में मैं अंकुर भाई से भी बहुत संपर्क करता था, कि बहुत सारी प्रॉब्लम थी मेरे साथ, तो अंकुर भाई से भी मैं संपर्क करता था कि भाई थोड़ा सा सपोर्ट बताओ, क्योंकि उनका मैंने अजमेर का देखा था तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था वो। तो अंकुर भाई ने बहुत हेल्प किया, इसलिए मैंने कॉल भी किया था अंकुर भाई को कि भाई आपकी वजह से ऐसा हुआ ये वो। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव चैनल है एक तरह से कहा जाए तो, और काफ़ी सपोर्टिव है, अंकुर भाई से भी काफ़ी मदद मिलती है। आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो खैर उसका रिप्लाई अंकुर भाई अवश्य देते हैं, मैंने देखा है। और बड़े आराम से होगा, आप आराम से जाइए, कोई परेशानी नहीं होगी। अब जो भी होगा, मार्क्स अगर आपका अच्छा है तो कोई परेशानी नहीं होगी, आपका जॉब लगभग सिक्योर है, ठीक है। इसी के साथ मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ अपना DV रिव्यू। होप आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।